अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, जिसका इंतज़ार था वो शाहकार आ गया। मैंने कहा था नेक्स्ट हम अनपैक करेंगे ईशा ऑर्गेनिक्स के प्रोडक्ट। ये मैंने देखे खोल के नहीं लिया कहीं से, अभी आपको ये खुला हुआ नहीं नज़र आया होगा। ये मैंने खोल के नहीं लिया, ब्लैंक पार्सल है, क्योंकि बहुत से मेरे ऐसे व्यूवर्स थे जो मुझे कहते थे आप को पता होता है इसके अंदर क्या, इसलिए आप वीडियो बनाती हैं। जी नहीं, मुझे नहीं पता होता, ब्लैंक पार्सल है। आप देख सकते हैं ईशा ऑर्गेनिक की तरफ से ही आया है, और मैंने उनके ऑफिशियल पेज से इसको ऑर्डर किया है। इधर उधर से कहीं से भी नहीं किया, किसी ग्रुप से नहीं किया, कहीं और से नहीं किया, क्योंकि उनके फेक प्रोडक्ट्स बहुत आ गए हैं जो आपकी स्किन को डैमेज करते हैं और बहुत ज़्यादा आपकी डैमेज कर देते हैं। थोड़ा सा शोर है आज तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए जी, इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या है। और आज मेरे पास कोई सीजर विज़र नहीं है, आज मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, तो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। देखिए ईशा ऑर्गेनिक का ओरिजिनल लोगो हमारे सामने है। मैं आपको बता रही थी कि आपने इनकी साइट से ही इनको करना है, और जो साइट पे इनका व्हाट्सएप नंबर है वहीं से इनको कॉन्टैक्ट करना है, कहीं और से नहीं करना, क्योंकि इनके जो फेक प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन को इतना ज़्यादा डैमेज कर देते हैं कि उसको कवर करने में भी आपको बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए जी, देखते हैं। पैकेजिंग तो अच्छी है, अच्छा से इन्होंने रैप किया है ताकि कोई भी मटेरियल ख़राब ना हो जाए। चलिए जी, ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं और मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। मेरा बिल बना था इसका, कितना बना था? 3100। तो ये चेक करें, मेरा 3100 बना था DC के साथ। तो अगर मैंने कोई प्रोमो कोड नहीं डाला था, हालांकि मरियम परवेज़ का उसका था, लेकिन मुझे याद नहीं था और मैंने ये ऐसे ही ओपन कर लिया था। जी चले जी, निकालते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और फिर एक वीडियो बनाऊंगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा था। अभी तो सिर्फ अनबॉक्सिंग करेंगे, क्या क्या चीज़ें आएंगी, कितने की आई हैं, और जार्स जैसे वो ट्यूब्स थी सब कहते हैं बहुत बड़ी होती है, बहुत अच्छी होती हैं, बहुत टाइम चल जाती है। तो चले देखते हैं कि हकीकत है या ऐसे ही है। सबसे पहले ये मैंने इनका ये सीरम ऑर्डर किया था, और ये देखें ये लीक था या जो भी था, तो ये थोड़ा ज़ाया तो नहीं हुआ या ये इतना ही आता है, ये देखें। मेरे ख्याल में इन्होंने इसको खोल के इसलिए ऐसे किया था ताकि ये दबे नहीं और ये सारा लीक ना हो। तो ये देखें, ये ज़बरदस्त सा इनका सीरम है। आपको पता है ये कौन सा सीरम है? इनका इनकी पेज में वैसे टैग कर दूंगी आप लोगों के, आपके आसानी के लिए, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इतने प्राइस में आई थिंक सो कि ये डिज़र्व करते हैं। तो ये है ईशा ऑर्गेनिक का हेयर बायोटिन सीरम, अच्छी क्वालिटी है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास इनकी हैंड एंड फुट वॉश प्लस स्क्रब। तो ये मैंने इसकी वाकई में बहुत अच्छी क्वांटिटी है, और क्वालिटी तो अब मैं टेस्ट करके बताऊंगी, लेकिन क्वांटिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई चल रही है, तो उस हिसाब से तो बहुत ज़बरदस्त है। देखें, 21 की एक्सपायरी है, और बाय ओरिजिनल जस्ट ऑनलाइन, डू नॉट बाय फेक प्रोडक्ट्स फ्रॉम शॉप्स। तो आपने शॉप से नहीं लेना कि ईशा ऑर्गेनिक की कोई शॉप आ गई या ये शॉप में भी डिस्ट्रीब्यूट करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे क्वांटिटी के हिसाब से अच्छा लगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है इसके अंदर। शैम्पू, आप सोच रहे होंगे मैंने इनकी डील क्यों नहीं ऑर्डर की, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना डाउट था। आपको पता है इनकी डील थी 3000 की, उसमें इनके पास ऑयल भी है, इसका मास्क भी है, और ये एक दाना ये सीरम है, और एक इनका कंडीशनर है या क्या है उसके अंदर, मुझे याद नहीं पड़ रहा, लेकिन ये 4 का सेट है। तो मैंने कहा पहले मैं शैम्पू, और ये इनकी बहुत ज़बरदस्त है ना, इसका रिव्यू भी मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, और लोगों को इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने सोचा पहले ये दोनों इस्तेमाल करके देख लेती हूँ। अगर ये मुझे अच्छा लगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर इनकी पूरी किट भी हम लोग बाय करेंगे। तो आप ये देखें कि इनका शैम्पू मेरे ख्याल में 750 का है या 850 का है, और इसकी एक्सपायरी 25 की है, और वाकई में अच्छी बॉटल है और मुझे अच्छा लगा इनका। लेकिन लास्ट टाइम मैंने ओलिन वालों का मंगाया था, आपको याद होगा, तो वो थे तो सस्ते, लेकिन ना उसका कोई रिज़ल्ट मुझे नज़र आया था, या मेरे बालों में उन्होंने कोई काम नहीं किया था, और उसकी क्वांटिटी भी बहुत कम थी। अगर वो पैसों में बहुत कम थे तो उसकी क्वांटिटी भी बहुत कम थी, लेकिन ये मुझे लगता है ये मेरे
तकरीबन 1.5 महीना निकल जाएगा, और है भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, पैराबिन एंड सल्फेट फ्री है, तो ऑर्गेनिक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर क्या है, मैं आप लोगों को तरसा तरसा के निकाल दी इसका। ये देखें, ये इसका उपटन है। मैं ना दरअसल फेस वॉश का ऑर्डर करी थी, मैंने कहा फेस वॉश ऑर्डर करते हैं, लेकिन मैंने एक वीडियो देखी, मुझे उस लड़की का नाम याद नहीं आ रहा, उसने कहा कि अगर आप इनका उपटन ले लेते हैं ना, तो ये फेस वॉश का भी काम करता है, वाइटनिंग का भी काम करता है, और उपटन की वजह से ये आपके फेस को इतना अच्छा ग्लो देगा। तो मैं वो ऑर्डर करते करते फिर मैंने इसको ऑर्डर कर लिया, मैंने कहा इसको चेक करते हैं कि ये कैसा है। क्वांटिटी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, पैकेजिंग भी अच्छी है, और आपको पता है ऐसे प्रोडक्ट तो फिर बहुत टाइम चल जाते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ऑर्डर किया, एक लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट्स वो सीरम का डब्बा था, वो डब्बा भी देख लें, डब्बा भी दे दिया आपको जी जनाब। लास्ट क्या था, ये मैंने ख़ास फाखरा खानम की रिक्वेस्ट तो नहीं थी, खैर उनके रिव्यू पे ये ऑर्डर किया था, इसकी वजह से फिर मैंने इसको भी ऑर्डर किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दोनों अगर यूज़ करें तो आपको, तो उन्होंने कहा कि आपको मैनी पैडी का ख़र्चा बच जाता है। आपको पता है आजकल मैनी पैडी बहुत महंगा हो रहा है, 3,000 से तो कम कोई करता ही नहीं, वो भी 3,000 तो आम लोकल पार्लर वाले ले लेते हैं। तो मैंने ये सिर्फ उनकी वजह से ऑर्डर किया था, मैं इसको चेक करना चाहती हूँ कि ये कैसा है। आपके लिए मैंने 3,100 इन्वेस्ट कर ही दिए, मैंने बोला चले मेरे व्यूवर्स को तो पता लग जाएगा ना कि चीज़ कैसी है कैसी नहीं है। तो इनके सब प्रोडक्ट्स पे ना लिखा हुआ है कि ये आपने शॉप से बाय नहीं करना, और फॉर्मुलेटेड फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी का इन्होंने फार्मूला लिया, लेकिन इनकी अपनी जो कंपनी है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ही है, ये इम्पोर्ट नहीं करते। तो जी ये सारी चीज़ें हैं, देखें ज़बरदस्त सी चीज़ें हैं, और इंशाल्लाह इसका रिव्यू अनकरीब बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। रिव्यू को देख के आप को समझ में आ जाएगी ये चीज़ें बाय करनी है या नहीं, लेकिन रिव्यू देने के लिए मुझे 1 मंथ तो लगेगा। आपको पता है 1 मंथ से पहले पहले कुछ भी नहीं कह सकते, तो इतना तो टाइम लग ही जाता है किसी चीज़ का रिव्यू देने के लिए, वरना 1 वॉश में तो होता ही नहीं है। अगर मैं 1 वॉश कर लेती हूँ और मेरा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया और नेक्स्ट में वो रिज़ल्ट नहीं आया तो फ़ायदा तो नहीं है ना, 1 मंथ तो आपको यूज़ करना ही पड़ता है ना कोई भी चीज़ें। तो ये ज़बरदस्त सी चीज़ें हैं, और इंशाल्लाह इसको यूज़ करेंगे, फिर मैं आपको बताऊँगी इसकी ज़बरदस्त सी के फाखरा खानम, और फाखरा खानम का मेरे ख्याल में ये ब्रांड है क्योंकि वो इसी को ही सपोर्ट करती है, और एक ब्लॉगर ने भी कहा था कि ये ब्रांड फाखरा खानम का है। इंशाल्लाह मैंने इनकी बेस की, इनकी बीबी क्रीम की बड़ी तारीफ सुनी, नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह इनकी बेस बीबी क्रीम इसको ऑर्डर करेंगे, और इनका फेस वॉश भी ऑर्डर करेंगे। फेस वॉश इनका 375 का है, ये 350 का है, रीज़नेबल है, इनके सारी प्रोडक्ट बहुत रीज़नेबल है। मैं आपको कह रही हूँ कि ये बहुत ह्यूज मतलब ट्यूब्स हैं, जिस तरह के आजकल आ रही है ना, इतनी इतनी सी इनके सीरम जितनी तो ट्यूब्स आ रही हैं आजकल, तो इतनी अच्छी क्वांटिटी ये दे रहे हैं इतने चीप प्राइस में, तो मेरे ख्याल में तो हक बनता है इनका। बस ये प्रोडक्ट असर भी दिखा दे तो फिर तो 5 out of 5। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी सी वीडियो में। बहुत टाइम के बाद आई, मैंने सोचा दरअसल थोड़े से बीमार हो गई थी, इसी वजह से आवाज़ बंद हो गई थी, वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन इंशाल्लाह अब रूटीन पे आ जाएंगे। चलो जी, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।